राजू जी, ये दिन भी देखने पड़ेंगे, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, ड्रग्स लेने के आरोप में भारती सिंह की गिरफ्तारी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मुझे बिल्कुल विश्वास भी नहीं हो रहा है और मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये क्या हो रहा है बॉलीवुड के साथ। और क्यों करते हैं कलाकार इस तरह की हरकतें? मैं तो पहले आपके चैनल पे ये कहने के लिए आने वाला था कि हो सकता है किसी ने जांच को भटकाने के लिए भारती का और हर्ष का नाम ले लिया होगा, किसी ड्रग पेडलर्स ने अपना गुनाह कम करने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन आपके न्यूज चैनल से पता चल रहा है कि नहीं, उन्होंने तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया, उनके यहाँ बरामदी भी हुई है गांजे वगैरह की। क्या क्या जरूरत है ये सब लेने की? क्या बगैर बगैर ड्रग्स के और बगैर नशे के क्या कॉमेडी नहीं हो पाती तुमसे? अरे मैंने भारती के साथ बहुत काम किया है, उसकी शादी में रहा हूँ, तीन तीन दिन हम लोग पूरा नाच रहे थे, रात में कॉमेडी हो रही थी, मस्ती हो रही थी, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। नहीं तो मैं देखता कि कैसे इतनी एनर्जी आ रही है और कैसे इतने ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कैसे इतना डांस कर रहे हैं। मैं हम तो यही सोच रहे थे ना कि शादी के जोश में और शादी की खुशी में इनको रात रात डांस कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है, लेकिन अब पता चल रहा है इस तरह की हरकत करती थी। मैं तो यहाँ बचाव के लिए आया था कि मैं भारती सिंह का बचाव करूंगा, हमारी एक कॉमेडियन है, हम कितनी कितना उसका नाम लेते हैं, कितनी उसकी प्रशंसा करते हैं कि महिलाओं में कॉमेडियन जल्दी नहीं होती, महिला कॉमेडियन इंडिया में होती ही नहीं है, एक टुनटुन हुई थी 30-35 साल पहले, उसके बाद सीधा भारती हुई है। कितनी कितनी लड़कियां कितने बच्चे इनको अपना आइडियल मानते हैं और भारती भारती सिंह बनना चाहते हैं, भारती सिंह को फॉलो करके ये वो फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन इनको ये सब लेने की क्या जरूरत है? राजू जी, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं कि दरअसल इस तरह के कॉमेडियन की कॉमेडी तभी खुलकर बाहर आ पाती है जब वो नशा लेते हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है? आपने तो बहुत लंबा वक्त दिया है इस इंडस्ट्री को, कितनी सच्चाई है इसमें? पिछले 38 साल से हंसा रहा हूँ, मुझे तो बहुत प्यार मिला, मेरे साथ तमाम ऐसे साथी कलाकार हैं जो नशे से पूरा दूर हैं, पेडलर्स के नाम सुन रहे हैं, कुछ और नाम सुन रहे हैं, ये सब ये सारे नाम और इस तरह की जांच एनसीबी ये सब जिंदगी में हमारे तो अभी आई है। बड़े बड़े सुपरस्टार हुए फिल्मी दुनिया में, बड़े बड़े हमारे पिताजी, हमारे फादर, हमारे चाचा, वो लोग देवानंद और उनके दीवाने थे, दिलीप कुमार के, राज कपूर का जमाना था। इतनी बड़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ये बदनाम हो रही है ड्रग्स की वजह से। हम यही कहने के लिए आए थे कि सारे लोग ऐसे नहीं है, सब लोग नशा नहीं करते, ये ड्रग्स के बारे में सब लोग इसमें लिप्त नहीं है, लेकिन रोज बॉलीवुड के लोगों का नाम आ रहा है, टेलीविजन वालों कलाकारों का नाम आ रहा है, तो उसके पीछे वो लोग जिम्मेदार भी तो हैं। अगर घर के अंदर से गांजा बरामद नहीं होता, पूछताछ में कबूल नहीं किया होता, तो फिर ये दिन क्यों देखने पड़ते? इसके लिए जिम्मेदार भी तो वही लोग हैं। बिल्कुल, अब तो यही लग रहा है कि यही लोग जिम्मेदार हैं। मैं अब इनका बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा। मैं बहुत दुखी हूं, मैं अंदर से बहुत शॉक्ड हूं कि हमारे साथी कलाकार इस तरह की हरकत कर रहे थे और हमें 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 पता भी नहीं, हम तो सोच रहे थे कि वो ऐसे ही हमें हंसा रहे हैं, ऐसे ही हमें डांस कर रहे हैं, पार्टी में हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं, हम कहते थे देखो कितनी एनर्जी है, कितना अच्छा, कितनी लाइवली बातें हो रही हैं, हमें क्या पता था कि इस तरह की हरकत भी करते हैं लोग, गंदगी फैला रहे हैं। अरे तुम्हें कितने कितने करोड़ों लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग घरों में तस्वीर रखते हैं, हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं, अपनी टेबल पे फोटो लगाते हैं, अरे उनकी कदर करो। भगवान ने तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि लोग तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, तुम्हें घर पे इनवाइट करते हैं लंच के लिए, एयरपोर्ट पे तुम्हें घेर लेते हैं, रेलवे स्टेशन पे पब्लिक पागल हो जाती है तुम्हें छूने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, हक करने के लिए। ये नशा कम है? निजी जिंदगी में बहुत अनुशासन रखनी पड़ती है रोल मॉडल बनने के लिए, और ये तमाम लोग रोल मॉडल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह के दिन देखकर जरा सोचिए उनके जो फैंस होंगे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। राजू जी, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं, एक साथ काम भी किया है, अच्छा खासा वक्त भी एक दूसरे के साथ गुजारा होगा काम करने के दौरान। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपको लगा कि भारती ड्रग्स लेकर फिर काम के सेट पर आती है? नहीं, मेरा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, उस तरह का कोई डाउट भी नहीं होता था कि ऐसा भी कर सकती है या कोई कर सकता है, और फीमेल लड़कियां नशा करेंगी, ये करेंगी, कहां ध्यान जाता है किसी का।
हम लोग ऐसी ऐसी जनरेशन है क्या, हम लोग ऐसे परिवार से हैं क्या जहां हम ये सोचते रहे कि यार इतना इतना कैसे एनर्जी दे रही है, इतना इतना जोश में कैसे डांस कर रही है, पूरी पूरी रात कैसे हंसा रही है, जरूर इसके पीछे कोई ताकत होगी, कोई नशा लेती होगी, उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता था। मैं तो इसके जन्मदिन की पार्टी में गया हूँ, शादी में 3 दिन साथ में रहा हूँ गोवा में, और वहां मैं ये कृष्णा अभिषेक और ये सुनील ग्रोवर और ये जितने आर्टिस्ट साथी कलाकार हमारे सारे सब खूब मस्ती हो रही थी, धमाल हो रहा था, इस तरफ ध्यान भी नहीं गया हमारा।